नमस्कार, मैं रक्षपाल सिंह प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष उपन्यास राम कथा। प्रख्यात लेखक श्री नरेंद्र कोहली इसके लेखक हैं। वाचन का कार्य मैं स्वयं रक्षपाल सिंह करूँगा। ये राम कथा शुरू करूँ उससे पूर्व मैं इस खंड में कुछ पात्रों से आपको मिलवा दूं, उनसे परिचय करवा दूं। तो मुख्य भूमिका है ऋषि विश्वामित्र की। उनके आश्रम के कुछ शिष्य हैं जैसे पुनर्वसु, उनके साथ रहने वाला उनका शिष्य सुकंठ, नक्षत्र, मुनि अजान बाहु, बहुलाश्व जो शासन तंत्र का सेनानायक है, और साथ में ही लगता एक गांव निषादों का है जिनके साथ ये बहुलाश्व सेनानायक के साथियों ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो असहनीय थी, जिससे विश्वामित्र पीड़ित हैं। उसके अतिरिक्त ये घटनाक्रम शुरू होता है जहाँ से कहानी शुरू होती है। विश्वामित्र पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। वो है नक्षत्र की हत्या और सुकंठ घायल हुआ है। घायल करने वाले हैं राक्षस जो ताड़का के समर्थक थे। उन्होंने इस आश्रम के इन दो निवासियों के ऊपर हमला किया है। ये समाचार लेकर उनका शिष्य विश्वामित्र के पास पहुंचता है और आगे घटनाक्रम शुरू होता है। विश्वामित्र दुखी हैं और ये कोशिश करते हैं कि किस तरह इन राक्षसों से पार पाया जा सके। राक्षस विश्वामित्र के सामने नहीं आते, किंतु वो जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं समाज के कल्याण का, तब ये राक्षस कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनका ध्यान भंग हो और ये ऐसे कार्य कर सके। विश्वामित्र बहुत सोच रहे हैं कि इन राक्षसों से कैसे निपटा जाए। ये घटना ही उन्हें ले जाती है महाराज दशरथ के दरबार में, जहाँ से वो राम और लक्ष्मण को लेकर इस सिद्धाश्रम में आएंगे और उन्हें सभी प्रकार से दीक्षित कर इन राक्षसों का अंत करवाएंगे। तो शुरू करते हूँ ये उपन्यास मैं आपके समक्ष राम कथा, लेखक नरेंद्र कोहली। विश्वामित्र ने समाचार सुना और एकदम क्षुब्ध हो उठे। उनकी आंखें ललाट कपोल छोभ से लाल हो गए। क्षण भर के लिए समाचार लाने वाले पुनर्वसु को वे ध्यान से घूरते रहे और सहसा उनके नेत्र झुक कर पृथ्वी पर टिक गए। अस्फुट से स्वर में बोले, असहाय। शब्द के उच्चारण के साथ ही उनका शरीर सक्रिय हो उठा, झटके से उठकर खड़े हो गए। मार्ग दिखाओ वत्स। पुनर्वसु पहले ही स्तंभित था। गुरु की प्रतिक्रिया देखकर एकदम जड़ हो चुका था। सहसा आज्ञा सुनकर जाग पड़ा और
अटपटी सी चाल चलता हुआ गुरु के आगे आगे कुटिया से बाहर निकल गया। विश्वामित्र झपटते हुए पुनर्वसु के पीछे चल पड़े। मार्ग में जहां तहां आश्रमवासियों के त्रस्त चेहरे देख विश्वामित्र का उद्वेग बढ़ता गया। आश्रमवासी गुरु को आते देख मार्ग से एक ओर हट नतमस्तक हो खड़े हो जाते। उनका इस प्रकार निरीह कातर होना गुरु को और अधिक पीड़ित कर जाता था। ये मेरे आश्रित हैं, मुझ पर विश्वास कर यहाँ आए हैं, इनकी व्यवस्था और रक्षा मेरा कर्तव्य है, और मैंने इन सब को इतना असुरक्षित छोड़ा है। आश्रमवासियों की भीड़ में दरार पैदा हो गई। उस मार्ग से प्रविष्ट हो विश्वामित्र व्रत के केंद्र में पहुंचे। उनके कठोर शुष्क चेहरे पर दया, करुणा, पीड़ा, उद्वेग, क्षोभ, क्रोध, विवशता के भाव पूंजीभूत हो कुंडली मारकर बैठ गए थे। उनके पैरों के पास भूमि पर नक्षत्र का शव पड़ा था। पहचान पाना कठिन था कि शरीर किसका है। विभिन्न मांसल अंगों की त्वचा फाड़ कर मांस नोच लिया गया था, जैसे रजाई फाड़ कर गूदर निकाल लिया गया हो। कहीं केवल घायल त्वचा थी, कहीं त्वचा के भीतर से नंगा मांस झांक रहा था, जिस पर रक्त जमकर ठंडा और काला हो चुका था, और कहीं कहीं मांस इतना अधिक नोचा गया था कि मांस के मध्य की खड्डी की श्वेतता मांस की ललाई के भीतर से भासित हो रही थी। शरीर के विभिन्न तंतु टूटी रस्सियों के समान जहां तहां उलझे हुए थे। चेहरा जगह जगह से इतना नोचा खसोटा गया था कि कोई भी अंग पहचान पाना कठिन था। विश्वामित्र का मन हुआ कि वे अपनी आंखें फेर लें, पर आंखें नक्षत्र के छत विछत चेहरे से चिपक गई थी, और नक्षत्र की भयविदीन मृत पुतलियां कहीं उनके मन में जलती लौ शिलाओं के समान चुप गई थी। अब वे ना अपनी आंखें फेर सकेंगे और ना ही उन्हें मूंद सकेंगे। बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी। यह कैसे हुआ वत्स, उन्होंने पुनर्वसु से पूछा। गुरुदेव, पूरी सूचना तो सुकंठ से ही मिल सकेगी। सुकंठ नक्षत्र के साथ था। मुझे सुकंठ के पास ले चलो। जाने से पहले विश्वामित्र आश्रम वासियों की भीड़ की ओर मुख हुए। व्याकुल मत हो तपस्वीगण, राक्षसों को उचित दंड देने की व्यवस्था मैं शीघ्र करूंगा। नक्षत्र के शव का उचित प्रबंध कर मुझे सूचना दो। वे पुनर्वसु के पीछे जा रहे थे। जब कभी भी मैं किसी नए प्रयोग के लिए यज्ञ करता हूँ, राक्षस मेरे आश्रम के साथ इसी प्रकार रक्त और मांस का खेल खेलते हैं। रक्त मांस के इस वर्षा में कोई भी यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? क्या अपनी शांति के लिए, अपने आश्रम वासियों की रक्षा के लिए राक्षसों से समझौता कर लूं? अपना शास्त्र ज्ञान उन्हें समर्पित कर एक और शुक्राचार्य बन जाऊं? भृगुओं और संतों का समस्त शास्त्र, औषध तथा अश्व पालन संबंधी ज्ञान देकर उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना दूं? क्या मैं भी उनमें से एक हो जाऊं? राक्षसी वृत्तियों को निर्वाध पनपने दूं? अपने आश्रम से आर्य संस्कृति को निष्कासित कर इसे राक्षस संस्कृति का गढ़ बन जाने दूं? पुनर्वसु चिकित्सा कुटीर के द्वार पर जाकर रुक गया। एक ओर हट कर उसने गुरु को मार्ग दिया। विश्वामित्र भीतर प्रविष्ट हुए।
चिकित्साचार्य ने अपनी शिष्य मंडली को एक ओर कर आश्रम के कुलपति के लिए मार्ग बना दिया। विश्वामित्र सुखंड की शैया से लगकर खड़े हो गए। सुखंड का चेहरा और शरीर तरह तरह की पट्टियों से बंधा हुआ था, किंतु उसकी आंखें खुली थीं और वह पूरी तरह चैतन्य था। गुरु को देखकर उसने शैया से उठने का प्रयत्न किया। विश्वामित्र ने उसके कंधे पर हाथ रख तनिक से दबाव के साथ उसे लेटे रहने का संकेत दिया। मुझे बताओ वत्स, यह सब कैसे हुआ? सुकंठ की भोली आंखों में त्रास तैर गया और उसका चेहरा अपना स्वाभाविक रंग छोड़ कुछ पीला हो गया। मैं तथा तात नक्षत्र उधर से जा रहे थे। हमने वहां दो राक्षसों को बैठे हुए देखा। वे लोग डील डोल में हमसे बहुत बड़े और शारीरिक शक्ति में हमसे बहुत अधिक थे। उनके वस्त्र अत्यंत भड़कीले, मूल्यवान एवं भद्दे थे। शरीर पर विभिन्न प्रकार के मणि माणिक एवं स्वर्ण आभूषण इस विपुलता से पहने हुए थे कि कबाड़ का आभास हो रहा था। आश्रम के भीतर हमें उनका यह भद्दा व्यक्तित्व अत्यंत आपत्तिजनक लग रहा था, पर शायद हमें उन्हें कुछ भी ना कहते, क्योंकि मेरा ही नहीं अनेक आश्रमवासियों का यह अनुभव है कि राक्षसों से कोई भी अच्छी बात कही जाए या उनके सार्वजनिक दूषित व्यवहार के लिए उन्हें टोका जाए तो वे लोग तनिक भी लज्जित नहीं होते, उल्टे झगड़ पड़ते हैं। उनके पास शारीरिक शक्ति है, शस्त्र बल, धन बल है, और फिर कोई शासन उनका विरोध नहीं करता। राक्षसों से झगड़ा कर हम कभी भी जीत नहीं पाते, इसलिए उनके अनुचित व्यवहार को देखते हुए भी आश्रमवासी सामान्यतः आंखें मूंद लेते हैं। शायद हम उन्हें कुछ भी ना कहते, पर तभी उधर से आश्रमवासिनी आर्या अनुगता गुजरी और तब हमें ज्ञात हुआ कि वे दोनों राक्षस मदरा पीकर धुत थे। उन्होंने आर्या को पकड़ लिया और अनेक अशिष्ट बातें कही। हमारे लिए उपेक्षा कर पाना संभव नहीं था, सोच विचार का समय नहीं था आर्या। सच तो यह है कि हम लोग अपनी इच्छा से सोच विचार कर अपनी वीरता दिखाने भी नहीं गए थे। वह तो क्षण की मांग थी। यदि हम सोचते रह जाते तो वे राक्षस या तो आर्या को मार डालते या फिर उन्हें उठाकर ले जाते। हमने उन्हें ललकारा, उन दोनों ने खड़ग निकाल लिए। हमने शस्त्र थे। परिणाम आपके सामने है गुरुदेव। विश्वामित्र ने सुकंठ के सर पर हाथ फेरा। उन्हें शब्द नहीं सूझ रहे थे। कैसे वे अपने मन की पीड़ा सुकंठ तक पहुंचाए? क्या उसके केशों पर फिरता उनका यह हाथ शब्दों से कुछ अधिक कह पाएगा? वे द्वार की ओर बढ़ चले। चिकित्सा कुटीर के बाहर निकलते हुए विश्वामित्र के चेहरे पर निर्णय की दृढ़ता थी। यह निर्णय कई बार उभर उभर कर उनके मस्तिष्क की ऊपरी तहों पर आया था, पर उन्होंने हर बार उसे स्थगित कर दिया था। किंतु अब और शिथिलता नहीं दिखानी होती। अपनी कुटिया में आकर अपने आसन पर बैठते ही उनके भीतर का चिंतक जागरूक हो उठा। कर्मण्य विश्वामित्र फिर कहीं सो गया।
और चिंतक विश्वामित्र चेतावनी देने लगा। ठीक से सोच ले विश्वामित्र, यह ना हो कि गलत निर्णय के कारण अपमानित होना पड़े। सोच सोच विश्वामित्र, अच्छी तरह सोच। विश्वामित्र के मन में कर्म का आवेश फैन के समान बैठ गया। शीघ्रता विश्वामित्र के लिए ठीक नहीं है। वे जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। एक बार कार्य आरंभ कर पीछे हटना नहीं है। अतः काम ऊपर से आरंभ करने के स्थान पर नीचे से ही शुरू किया जाए।